दोस्तों भारतीय रेल में अब आप स्लीपर और एसी क्लास में वेटिंग टिकट के साथ यात्रा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो वेटिंग टिकट विंडो से ही क्यों ना ली गई हो। भारतीय रेलवे ने अपने नियमों को अब कड़ाई से लागू करने का बड़ा फैसला लिया है और सभी टीटी को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर एसी या स्लीपर क्लास में वेटिंग टिकट लेकर जाता है तो उसकी यात्रा अगले स्टॉपेज पे खत्म कर दी जाए या उसके ऊपर कड़ा जुर्माना लगाकर उसे जनरल डिब्बों में भेज दिया जाए। क्या है ये नियम, इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे, नए नियम को ठीक से समझाऊंगा, आप कैसे यात्रा कर सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में मिडिल बर्थ का नियम क्या होता है, अगर आपको रेलवे की मिडिल सीट मिल जाती है तो उसका नियम क्या होता है। साथ में यह भी बताऊंगा कि ट्रेन छूटने के बाद आपकी ट्रेन कितने देर तक सुरक्षित हो सकती है, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा वो समय होता है जिस समय टीटी आपके टिकट को बिल्कुल भी नहीं चेक कर सकता है, और साथ में एक बात और जानकारी दूंगा कि रेलवे में आप कितना लगेज ले जा सकते हैं, कितने किलो का सामान ले जा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं वेटिंग टिकट वाली बातों पर। दोस्तों पहले ऐसा होता था कि आप वेटिंग टिकट लेकर लंबी लंबी यात्राएं कर लेते थे, जैसे अगर आपने कोई ई टिकट लिया है और आपकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी तो आपका खाते में आपका पैसा आ जाता था और आप यात्रा खुद ब खुद कैंसिल कर देते थे। लेकिन अगर आप खिड़की से वेटिंग टिकट लेते थे तो आप ट्रेन में बैठ जाते थे और टीटी को भी ये जानकारी दे देते थे कि मेरे पास वेटिंग टिकट है। टीटी के पास अगर कहीं कोई सीट खाली होती थी तो टीटी आपको बता भी देता था, और अगर ऐसा नहीं हो पाता था तो आप कभी ना कभी पन्नी बिछाकर या चद्दर बिछाकर दो लोगों के जो बीच सीट में गैप होता है वहाँ पर सो जाया करते थे। ऐसा करना तब अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अब ऐसा करना अपराध है। और पहले आपके साथ ऐसी ना ऐसी एक बार जरूर घटना घटी होगी कि आपका ट्रेन में वेटिंग का टिकट है और आप यात्रा मंगलमय रही हो, लेकिन अब ऐसा नियम खत्म हो चुका है। अगर आप अब रेलवे में यात्रा कर रहे हैं, स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं या एसी कोच में यात्रा कर रहे हैं और आपके पास खिड़की से खरीदा हुआ वेटिंग टिकट है तो भी आप अब यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब नए नियम के अनुसार रेलवे का जो नया नियम है उसमें जो अधिकारियों ने बताया है वो ये कहा है कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए, बढ़ती भीड़ के कारण ऐसा करना पड़ रहा है, वेटिंग टिकट वालों को बढ़ती भीड़ के कम करने के लिए रेलवे बोर्ड ने अपने साल 2015 के आदेश पर कड़ाई से अमल करने का निर्देश दिया है, इसी कारण यह समस्या हो रही है। रेलवे ने नए आदेश में साफ किया है कि ट्रेन के स्लीपर एसी कोच में कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ यात्रा नहीं कर सकेगा, भले ही वह टिकट विंडो से खरीदी गई हो। अगर यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी यात्रा अगले स्टॉपेज पर रोक दी जाएगी, उस पर जुर्माना लगाकर उसे जनरल बोगी में भेज दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, रेलवे ने अब ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वेटिंग टिकट लेकर अब यात्री लगातार हर ट्रेनों में घुस जाते थे और जो पहले टिकट बुक कराए रहते थे लाइन में लगकर या किसी विधा बहुत पहले टिकट बुक कराए रहते थे उनके बीच में जाते थे और अपना अधिकार जताने लगते थे और ये कहने लगते थे कि जो टिकट आपने ली है उतने की टिकट मैंने भी ली है इसलिए मैं यात्रा कर सकता हूं। लेकिन अगर अब ऐसा होता है तो आप सीधे सीधे मना कर सकते हैं क्योंकि रेलवे ने अपने नियम को सख्त कर दिया है। रेलवे ये कह रहा है कि हमारे जो यात्री पहले टिकट करा चुके हैं और की टिकट कंफर्म है अब वो सुविधा के साथ अपने गंतव्य को जाएंगे, वेटिंग टिकट वाले लोग उनके आकर परेशान नहीं करते हैं, अगर वो परेशान करेंगे तो वो दंडनीय होंगे, टीटी उन्हें जुर्माना लगा सकता है और उन्हें जनरल बोगी में भेज सकता है। तो अगर आप वेटिंग टिकट से आदि हो चुके थे, लगातार आप सफर कर रहे थे वेटिंग टिकटों में, तो आपके लिए ये बुरी खबर साबित हो सकती है। अब आपको पहले ही रेलवे का टिकट बुक कराना होगा और उसे कंफर्म होने तक का इंतजार करना होगा रेलवे में सफर के लिए। दोस्तों ये आपने वेटिंग टिकट और कंफर्म टिकट को समझा है, अब मैं आपको बताऊंगा कि
अगर आपको रेलवे में मिडिल बर्थ मिल जाती है तो वो कब तक वैध होती है, क्योंकि कई बार मिडिल बर्थ को लेकर ही रेलवे के बोगियों में झगड़ा होने लगता है कि मेरी जो बर्थ है वो तो मिडिल है, मैं जब मन करेगा तब सोऊंगा, और ऐसे लोगों को रहता है कि मैंने सीट बुक करा रखी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे का जो नियम है उसमें सिर्फ रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही मिडिल बर्थ पर सोया जा सकता है। यदि कोई यात्री समय समय से अधिक सो जाता है तो निचले बर्थ वाले यात्री को यह अधिकार है कि वो उनसे ऐसा करने के लिए मना कर सकता है या टीटी को बुला करके कह सकता है कि मिडिल बर्थ ये बंद कराई जाए। क्योंकि दोस्तों जब 3 टियर में आप सफर करते हैं, स्लीपर में सफर करते हैं, तो 3 सीटें लगती हैं। 3 सीटों लगने के कारण जो नीचे वाला व्यक्ति होता है वो बैठ नहीं पाता है अगर मिडिल बर्थ खुली रहती है, और जो सुबह का समय होता है वो बैठने के लिए होता है। इसीलिए मिडिल बर्थ जो अलाउ करती है रेलवे वो रात्रि 10 बजे के बाद जब ट्रेन की लाइटें बंद हो जाती हैं और सुबह 6 बजे तक जब ट्रेन की लाइटें खुलने वाली होती हैं उस समय तक ही अलाउ कर सकती है। तो आपने ये मिडिल बर्थ का नियम जाना। अब अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो आप किसी से ये कह सकते हैं कि ये मिडिल बर्थ आप हटा दीजिए, आप टीटी को भी उस समय बुला सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा नियम बताऊंगा, ट्रेन छूटने के बाद भी आपकी ट्रेन कितने प्लेटफॉर्म तक, कितने स्टेशन तक सुरक्षित रहती है। दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी ट्रेन छूट जाती है लेकिन आपके स्टेशन से जो दूसरे स्टेशन की दूरी रहती है वो आप मोटरसाइकिल से या कार से अपने कम धीरे भी चलाकर आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि अगले स्टेशन पर ट्रेन काफ़ी देर के लिए रुकती है। तो इस स्थिति में आप ये सोचते हैं कि क्या पता हमारी जो ट्रेन है वो आगे हमारा टिकट टीटी कैंसिल कर दे, या आप ये सोचते हैं कि मैं इस जगह से यात्रा कर रहा हूँ लेकिन मेरा ससुराल तो वहाँ पर है, ट्रेन यहाँ से भी होकर जाती है तो मैं यहाँ पर यात्रा कर सकता हूँ और उस इस स्टेशन के बीच में, इस स्टेशन के बीच में कई स्टेशन का गैप है, तो कई बार आप असमंजस में फंस जाते होंगे। तो आप ये जानकारी जान लें कि कभी भी आपकी स्टेशन, जिस प्लेटफॉर्म से आपकी टिकट बुक होती है, जिस स्टेशन से बुक होती है उसके 2 स्टेशन तक सिर्फ टीटी आपके आने का इंतज़ार करता है। अगर आप 2 स्टेशन तक नहीं आते हैं तो टीटी को यह पूर्णतः रेलवे अधिकार देती है कि वो सीट रेलवे के ऑफिशियल साइट से या टीटी के अधिकार में जो साइट्स आते हैं टिकट बुक करने का होता है उसमें रेलवे वो टिकट, वो सीट दूसरे को दे सकता है या किसी वेटिंग वाले व्यक्ति को दे सकता है जो परेशान है या जो उसमें दूसरा व्यक्ति बैठा है उसे भी दे सकता है। तो चलिए आपको अब ये बताता हूँ कि कौन सा वो समय होता है जिस समय टीटी आपको परेशान नहीं कर सकता है। रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो समय होता है जब आपकी टीटी टिकट नहीं चेक कर सकता है, और अगर टीटी उस समय ऐसा करता है तो आप ये बात उसे करने के लिए मना कर सकते हैं। जैसे आपकी यात्रा चल रही है और आप 10 बजे सो चुके हैं, कोई भी टीटी आके आपको उस समय ये नहीं 10 बजे के बाद कह सकता कि आप अपना टिकट दिखाइए। ऐसा तभी हो सकता है जब विशेष परिस्थितियां हों, जैसे आपकी ट्रेन चलना ही 10 बजे शुरू हुई हो या 11 बजे शुरू हुई हो, तो उस स्थिति में 1 घंटे के भीतर जब अब तक आप अपना सामान समेटते हैं और सोने की तैयारी करते हैं उस बीच में टीटी आके आपका टिकट चेक कर सकता है। लेकिन अगर आपकी यात्रा पूर्व से रही है, पहले से चल रही है और आपको यात्रा करते हुए काफी समय हो चुका है और अचानक टीटी 10 बजे आकर आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है, ये आपको अधिकार है मना करने का। और आप अब जानेंगे मुझसे कि आप ट्रेन में कितना सामान लेकर जा सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह बात सुनकर हंसी आ रही होगी कि ट्रेन तो अपनी होती है, ट्रेन में दादी के वहां, नानी के वहां जाना है, जितना भर के उतना ले जाओ। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी आप इससे बुरे फंस सकते हैं, कोई भी टीटी आपका चालान कर सकता है और आपके ऊपर बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि क्या है नियम, आप फ्लाइट की तरह रेलवे में कितना सामान ले जा सकते हैं और कितना आपको सामान ले जाने का अधिकार है। दोस्तों अगर आप सामान्य टिकट से यात्रा कर रहे हैं, आप एसी कोच आपने आरक्षण करवाई है तो आप अधिकतम 70 किलो का सामान ले जा सकते हैं, 70 किलो तक का बैग ले जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो 40
40 और जनरल में यात्रा कर रहे हैं तो 35। और अगर आप सामान, अगर आपने अपने लगेज का चार्ज दिया है, अब ये भी लोगों को, शायद कुछ लोगों को ना पता हो कि जिस टिकट से आप अपना काउंटर, अपना टिकट बनवाते हैं, वहां से आपके एक्स्ट्रा लगेज का भी काउंटर बनता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा लगेज का काउंटर लिए हैं तो एसी क्लास में आपको 150 किलो तक का सामान और स्लीपर क्लास में 80 किलो तक का एक व्यक्ति को सामान और जनरल या सेकंड सीटिंग में 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। ऐसा उन लोगों को होता है जो ट्रेन से अक्सर अपने व्यवसाय का सामान ले जाते हैं, ले आते हैं, उनके सामान अधिक हो जाते हैं तो कई कई बार टीटी उन्हें परेशान करने लगते हैं। लेकिन जनरल दिनों में जो लोग छुट्टियां मना के अपने परिवार के आते के साथ आते हैं उन्हें अक्सर परेशान रेलवे नहीं कर सकता है, करता है, क्योंकि रेलवे सौम्य होता है और सबके साथ व्यवहारिक होता है। लेकिन नियम यह है कि एक व्यक्ति, इतना ही सामान एक व्यक्ति के ऊपर रेलवे में आ सकता है अगर उसने टिकट बुक किया है। तो आज मैंने आपको वेटिंग संबंधित तमाम जानकारियां दी, आज आपको मैंने वो चार चीजें बताई जो रेलवे में जाने से पहले आपको जान लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर अंतिम में ये बात बता रहा हूं कि अगर आप वेटिंग टिकट लेके लगातार यात्रा कर रहे हैं तो अब इसे आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने पहले टिकट कराने वालों के लिए अब सहूलियत दे दी है और वेटिंग टिकट यात्री को बंद कर दिया है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ट्रेन में अपने यात्रा के अनुभव को भी बताइएगा। वेटिंग टिकट्स के साथ अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है तो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।